हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग इत्यादि पहलुओं के 41% आपके रिवीजन के लिए प्रस्तुत है। इनका लुत्फ लीजिए। पहला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, बताइए। 3 सेकंड आपको मिलेंगे। उत्तर है 315 है, याद रखें आप। लोक सेवा आयोग, 3 अक्षर है इसमें, लोक सेवा आयोग, तो 300 से शुरू है और 15 है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ क्या उत्तर होगा आपका, तो यहाँ भी वही बात है, 315 है। नेक्स्ट, वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा जो है वो सबसे पहले शुरू की, यानी विश्व में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा आज से 2000 साल पहले हो गई थी, तो ये कौन सा देश है, तो ये देश है कौन सा, चीन। चीन की प्राचीन सभ्यता में भी जो है प्रतियोगी परीक्षा का उल्लेख मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है भर्ती करना, भर्ती जो है वैकेंसीज निकालना। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है, बताइए, तो ये उत्तर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति। देखिए, इसका संबंध जो है मुख्यतः राष्ट्रपति से ही रहेगा, नियुक्ति, त्याग पत्र देना इत्यादि। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें जो है सदस्य अध्यक्ष के अलावा पूछा है, तो 9 सदस्य इसमें होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ अध्यक्ष का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कौन करता है बताइए, तो यहाँ उत्तर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, बताइए, तो यहाँ भी उत्तर क्या है, राष्ट्रपति, यानी नियुक्ति जिस करता है वही उसी को त्याग पत्र देंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है, यहाँ अध्यक्ष की बात आ गई है, तो आप अभी ध्यान में रखें, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना। देखिए, यहाँ सक्सेज बहुत जरूरी है, तो सक्सेना आप इसे याद रखें। तो इनकी पदावधि कितनी है अध्यक्ष की, तो यहाँ उत्तर होगा मित्रों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सेंटर के लिए यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए 6 वर्ष है, राज्य के लिए भी 6 वर्ष है, यहाँ 65 है और वहाँ 62 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह मिलता है, तो ये है यहाँ पे कितने, 90,000 रुपये। इसमें अगर कुछ अपडेशन है तो मैं टॉप कमेंट में, मेरे वाले कमेंट में आपको लिख दूंगा, वे 7वें वेतन आयोग के अनुसार। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है वो कितने होने चाहिए, जैसे 9 है तो 10 करने हैं मान लो, 11 करने हैं, तो ये किसके पास है शक्ति, तो ये भी उसी के पास है जो नियुक्त करता है, जो त्याग पत्र लेता है, यानी राष्ट्रपति। यहाँ सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति ही, आप ध्यान में रखें। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष का बताया राष्ट्रपति, अब यहाँ सदस्यों का पूछ लिया, सदस्यों की नियुक्ति, तो यहाँ भी अपने को कंफ्यूजन जरा भी नहीं होना, इधर उधर कहीं भी नजरें नहीं दौड़ानी, सीधे यहाँ राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र, अब सदस्य का पूछ लिया, सदस्य त्याग पत्र, बात हुई, जो नियुक्ति कर रहा है उसी को, तो कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो सदस्य भी अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होगी, मेंबर्स की, अध्यक्ष की तो आपने देखा 6 वर्ष 65 वर्ष, सदस्यों की कितनी है, क्या कोई फर्क है, कुछ अंतर है, जी नहीं, कदापि बिल्कुल भी अंतर नहीं है, रत्ती भर का भी, 6 वर्ष 65 वर्ष वो की वही है इसमें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए हुए 2 व्यक्तियों पर विचार कीजिए,
कीजिए, करें, विचार करें, शुरू कर दो। इनमें से एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर। कारण, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संगठन है, पहला कथन। और इसका कारण है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। तो पहले तो आप ये सोचिए कि इन दोनों में से सही कौन कौन से हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है क्या? जी हाँ, 315 में है ना उल्लेख, तो बी तो सही है। अब ए की बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संगठन, स्वतंत्र संगठन नहीं है मित्रों, सरकार का हिस्सा है ना, ये अंग है संविधान का। तो यहाँ उत्तर होगा ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 इम्पोर्टेंट, 1919 आया था ना, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड था कि अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसी में एक प्रावधान आ गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होगा। तो कब की गई थी स्थापना? अंग्रेजों के समय। तो ये है, यहाँ पे सन क्या है, 1926। ये आपको याद रखना है, ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो 26 आपको याद रखना है, पूरी ए बी सी डी आपको याद रखनी है संघ लोक सेवा आयोग की। नेक्स्ट, प्रशासनिक यानी केंद्रीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय सेवाएं जो है यानी आईएएस है, आईपीएस है, तो इनके लिए कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए दो या दो से ज़्यादा राज्य है, छोटे छोटे राज्य है, तो उनके लिए क्या है, संयुक्त जॉइंट लोक राज्य लोक सेवा आयोग बनता है। जैसे राजस्थान में ना आरपीएससी, तो दो राज्यों के लिए क्या होगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? तो यहाँ भी क्या है, अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना, नियुक्ति की बात आ रही है तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। यानी ये ज्वाइंट की स्थिति आ गई ना, दो या दो से अधिक, तो इसलिए राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि फिर राज्यपाल तो एक का हो जाएगा। इसलिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यानी ये वही ज्वाइंट दो या तीन राज्यों के ऊपर के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होगी? अब यहाँ देखिए, राज्य का पूछा जा रहा ना, राज्य लोक सेवा आयोग, तो 6 वर्ष तो है ही है। आप ध्यान में रखें, मुख्यतः जैसे जो एमपी एमएलएज वगैरह है, जो चुनाव वाली शाखाएं हैं, उनमें ज़्यादातर में 5 वर्ष है, और ये जो आयोग है यूपीएससी आरपीएससी, इनमें 6 वर्ष है, वहाँ 65 है, और यहाँ राज्य की बात आ गई तो हो जाएगा 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, यानी ये जो जॉइंट वाला है ना, दो राज्यों या तीन राज्यों के ऊपर एक ही राज्य लोक सेवा आयोग, तो यहाँ अपना अध्यक्ष है और सदस्य है, अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो आप सीधा सोचिए, नियुक्ति किसने की थी, उसी को त्यागपत्र सौंपेंगे, नियुक्ति कौन करेगा? आपके कन्फ्यूजन होगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो यहाँ ज्वाइंट है ना, राज्यपाल तो एक राज्य का होगा, तो इसलिए क्या ज्वाइंट की स्थिति है, तो राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यही बात है ज्वाइंट वाली, के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है, कौन हटा सकता है? तो अगर उनका मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार इत्यादि मामला आता है, तो बात वही है, जो नियुक्त करेगा वो हटाएगा, यानी राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कर्तव्य सरकार के लिए हैं, किस प्रकार के हैं? सरकार के लिए सलाहकारी है, बिल्कुल सलाह दे सकते हैं, सरकार इनकी बात को माने बाध्य नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग PSC, जैसे राजस्थान में RPSC, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए? तो राज्य की बात आ जाती है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, राज्य, तो राज्य से राज्यपाल, ठीक है, तो राज्य में क्या, राज्यपाल, बाकी में राष्ट्रपति, ज्वाइंट आ जाए संयुक्त तो भी राष्ट्रपति, नियुक्ति, त्यागपत्र, कदाचार से हटाना, सारे राष्ट्रपति, और राज्य की बात आ जाए नियुक्ति की, तो राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब यहाँ चाहे घुमा फिरा के अगला अध्यक्ष का पूछें, चाहे वो अपने को सदस्यों का पूछें, नियुक्ति करने वाला तो कौन है, महामहिम, वही राज्यपाल।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे? अब यहाँ देखिए, त्याग पत्र का पूछ लिया है अध्यक्ष और इनका, तो नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। बीच में छोड़ना चाहते हैं तो किसको संभाल के जाएंगे, कहेंगे कि भी हम जा रहे हैं, त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। तो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसका सदस्य रिटायर हो गया, अब वह कहाँ जा सकता है? 62 वर्ष की उम्र में रिटायर हो गया तो अभी भी 3 साल का मौका, और कहाँ है? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में वो सेवाएं दे सकते हैं, अपनी अमूल्य सेवाएं। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? यानी पहले 60 थी, अब 62 है। तो राज्य के लिए 62 है और संघ के लिए 65 है। तो कौन सा ये अनुच्छेद था? तो ये अनुच्छेद था मित्रों 41वां, 41 संशोधन जो है इसमें बढ़ा दी गई थी, 62 कर दी। देखिए यहाँ 41 और यहाँ है, यहाँ आगे एक का है, यहाँ दुआ है, ऐसे थोड़े थोड़े आप लिंक बिठा के याद रखा करें। 6 में से 2 गए, पीछे बच गए 4, 62, तो 41वां संशोधन। आप सोचेंगे ये कौन सी गणित है, ये ऐसे याद रखने की गणित है छोटी मोटी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि होती है, तो राज्य की बात पूछा है ना, तो ये अभी अभी हमने देखा कि 6 वर्ष और 62 वर्ष, पहले 60 थी और 4 में से 2 गए 4, और या 2 है या 1 कर लो, 41 संशोधन में कितनी हो गई? 62 कर दी गई थी, तो यहाँ हो जाएगा 62। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर कौन पद मुक्त कर सकता है? अब ये यहाँ आपको ध्यान रखना है, त्यागपत्र देंगे तो कोई बात नहीं, राज्यपाल को दे देंगे, नियुक्ति करेगा राज्यपाल करेगा, मगर ये इनका पावर है कि इनको अगर हटाना है किसी विशेष ऐसे दोष के आधार पे, तो मामला सारा कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ये याद रखना आपको, हटाने का अधिकार की हम बात करें कदाचार के आधार पर इस तरह से, तो किसके पास है? चाहे वो संघ हो चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, राष्ट्रपति है, यहाँ पे ध्यान में रखें आप। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसमें है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसके निलंबित, देखिए वो तो कदाचार के आधार पे पदमुक्त है, निलंबित कर सकते हैं, तो ये है राज्यपाल। निलंबन तो सस्पेंड होता है एक तरह से, तो निलंबन जो है वो राज्यपाल। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है मित्रों कि जिसका संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख हो कहीं ना कहीं, और जहां उल्लेख नहीं है, केवल कानून बनाकर उसको बॉडी को जो है वो दर्जा दिया है बनाया, तो उसको बोलते हैं सांविधिक या वैधानिक। तो यहाँ सांविधानिक की बात आ जाए तो कौन सा निकाय जो है संवैधानिक है? यहाँ देखिए आप केवल यहीं से उत्तर नहीं भरें, पूरे प्रश्न को देखें और इन कोट में से भी छांटें। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ पे टिक लगाया, ओम आर में सीधा दुआ भर दिया, ऐसा नहीं करें। तो आप यहाँ छांटिए कौन कौन सा है। तो संवैधानिक निकाय की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सांवैधानिक निकाय है। बाकी राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सांविधानिक यानी निकाय नहीं है, यानी गैर सांविधानिक है, अर्थात ये वैधानिक या सांविधिक निकाय है। कानूनन यानी एक्ट इनके लिए बने हुए हैं, धाराएं बनी हुई हैं, मगर अनुच्छेद संविधान में उल्लेख नहीं है इनका। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 किस से संबंधित था, किस चीज से संबंधित था? तो प्रशासनिक सुधार की बात है तो उत्तर होगा ए, उत्तम शासन के लिए सांस्थानिक व्यवस्था में सुधार, उत्तम शासन के लिए। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, अभी आपको याद होंगे इसके अध्यक्ष कौन है, सर्दी चल रही है ना, सतर्क रहना जरूरी है, जुकाम लग जाएगी, तो शरद कुमार क्या है, सतर्कता आयुक्त,
ऐसे याद रखने का फार्मूला है ये। तो भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो यहाँ क्या उत्तर होगा बताइए, तो यहाँ उत्तर होगा संथानम समिति। नेक्स्ट, किस एक ने लोकपाल पद के सृजन की संस्तुति की? किसने कहा कि लोकपाल होना चाहिए? देखिए, सुधार करना ना प्रशासन में, इसलिए तो लोकपाल जरूरी है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ आप बताइए कि इसमें कौन सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सभापति जो है, यानी ये तो हो गए उपराष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है संविधान की, तो ये इनके सदस्य थोड़ी होंगे। तो आप ध्यान रखें, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाने हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता इसके होंगे, मगर राज्यसभा का सभापति इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है राज्य वित्त आयोग? एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 2005, उसने कौन कौन से विषय, तो यहाँ विषय होंगे डी 1, 2, 3, शासन में आधार नीति, स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करना। तो ये जो तीन जो बिंदु है वो इसमें मुख्यतः जो है रखे गए थे प्रशासनिक सुधार आयोग में। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, या जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो ये प्रश्न पहले आ चुका है, कौन सा था याद आया आपको बताइए, कौन सा है निम्न में से? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत कब स्थापना हुई थी याद आया आपको? एबीसीडी में कितने अक्षर? 26, तो 1926 पूरी एबीसीडी जो है हम इसमें देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है, तो बताइए कौन सही है? तो इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये सही है। अब बाकी जैसे ऑप्शन है ना, ये उसका निरीक्षण करता है, उसके सदस्य सारे उससे लिए जाते हैं, दिशा निर्देश भेजता है, नहीं, ये राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में काम कर रहा है, वो संघ में काम कर रहा है, दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो यहाँ सिविल सेवाओं की विशिष्टता क्या है? तटस्थता एवं निष्पक्षता, यानी ये राजनीति से पूरी तरह से तटस्थ रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी पार्टी की सरकार है क्या है, ये निष्पक्ष होकर अपना कार्य को करते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं, ये भारतीय सिविल सेवा की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के लिए तो जरूरी है, उपराष्ट्रपति के लिए भी है, न्यायाधीश के लिए भी है सर्वोच्च न्यायालय के, तो यहाँ हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है इसके लिए वो प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति जो है वो कदाचार के आधार पर इनको पदच्युत कर सकता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अब एक प्रश्न आपके लिए, राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसका वर्तमान में वेतनमान कितना है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतनमान कितना है आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो इससे आपका भी मूल्यांकन होगा, बाकी लोग भी इसको देखेंगे और मुझे भी पता लगेगा आपने पूरा वीडियो देखा है। तो धन्यवाद साथियों।